बाल कहंदा चूशवत अंदेशा है कौम खराब नासरा गर्दत बदस्त सीम नाब। इकबाल कहंदा जिस वेले कौम दियां फिकरां सोचां गंदियां हो जान ना उन्हां दे हाथ सोना भी पकड़ाओ ते मिट्टी हो जांदा। मीरत अंदर सीना अशकल्बे सलीम हाँ दर निगाहे कज आयत मुस्तकीम। इकबाल कहंदा जिस वेले कौम दियां फिकरां ते सोचां हो जान गंदियां ते हर वेले पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा। इत्थे मैं गल कर जावां, हाँ जी, हज़रत उबैदुल्लाह बिन सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, कहते हैं मा फतहना खैबर, जब खैबर फतह हो गया और फजाल अन्नासु यतबायउना गनायमहुम और सहाबा आपस में जड़ा है माल गनीमत ऐसा है एक दूसरे नाल खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई ना तो एक सहाबी आए अर्ज की हुज़ूर लकद रबिह तो रिबहन मा रबिहल यौम मिसलु अहद मिन हाज़ल वादी। अर्ज की हुज़ूर हुज़ूर नमाज पढ़ा के बैठे एक सहाबी आ गए, उन्हें भी आके गल इसे वास्ते दसी ताकि दुनिया को पता चले कि हुजूर की फरमाते हैं। अरज की हुजूर आज इस वादी विचों मेरे तो ज्यादा किसे नफा नहीं कमाया, मैं इतना आज खरीदो फरोख्त करके पैसे कमाए। फरमाया वैहा का मारा बेहता, फरमाया अल्लाह दिया बंदे की तू एडी गल कर रहा बैठा तू आके नाज कर रहा मैं इतने पैसे आज कमा लिया तू की कमाया। फकाल जिल तो अभी हो वपताओ हत्ता रबेह तो सलासता औ की अतिन, हाँ जी सलास औकिया थे हुजूर मैं 300 औकिया सोना आज कमा लिया, इतना मैंने मैं सोना आज कमा लिया खदी दुफो आज द दिन। हुजूर ने फरमाया मैं तेनू इहदे नालों वड्डा तेरे नालों वड्डा नफे वाला बंदा ना दसा तेनू। सुनो जी जिहड़े फर्ज नमाजा भी नहीं पढ़ते हो वह जरा सुनो, पैसे कमा के खुश होंदे हो राती गिण के सौंदे हो तो तुहानू पता ही नहीं 3-5 नमाजा किधर गई। हुजूर ने क्या फरमाया, वो साहबी ने आकर ये नहीं कि साहबी को गुमान था, साहबी ये चाहते थे आज मैं बात हुजूर से कर जाऊं जी ताकि क्यामत तक जड़ा कोई पैसे का माण करे फिर हुजूर की फरमा दे। फरमाया मैं तेनू तेरे नालों भी ज्यादा नफे वाला बंदा ना दसा। अर्ज की हुजूर वो केड़ा है, फरमाया रक आता है बाद सलात, फरमाया फर्ज नमाज पढ़न तो बाद जड़ा दो नफल पढ़ता वो तेरे नालों ज्यादा नफा कमांदा। हुण समझ आई गल इस्लाम दी, ए सानू किधर ले जाना चाहते हैं 24 घंटे मुल्क ये हो जाएगा, मुल्क को कुछ भी नहीं होगा और मुल्क है साडा अंग्रेज कह भी देवे असी दहशतगर्द आ ते असी अंग्रेज दे कहण दा सानू केड़ा डर है, सानू तो डर ए वे कि किधर अल्लाह रसूल ना नाराज हो जा और पूरी कौम नु तो सब जमीर बना छड़िया। हर बाजी अंग्रेज ये कहता है, अंग्रेज ये कहता है, हम इसलिए मौलवियों को ये कहते हैं थोड़ा सा हल्का काम करो हुजूर की, फिर दसो फिर केड़ा दीन रह गया जो हुजूर के बारे गल हो। हाँ जी हारून रशीद पूछे तो मस्जिद नबी शरीफ पूछे तो होवे वक्त हुक्मरान, ऐसे तो मौलवियां सदे बगैर जाके हुक्मराना के दरवाजे से तवाफ कर दे मौलवी और उत्थे जाके उन्होंने अपनी तकरीरें मैं सुना दे और उत्थे जाके उन्होंने कोई अवार्ड लै दे। अगर कोई आलिम वेखना हो हुजूर की उम्मत का कोई आलिम वेखना हो तो इमाम मालिक वेखो, इमाम आजम अबू हनीफा वेखो, इमाम शाफी वेखो, इमाम अहमद बिन हम्बल वेखो, मुजद्दद अल-फिसानी वेखो, आला हजरत बरेलवी वेखो। ना तुहानू कोई समझ आती, ना तो सब कुछ पढ़ी, ना तो साड़िया गल्लां समझ आदि हो जी फलाना मौलवी है कर मौलवी है जान जी। हारून रशीद मस्जिद नबी शरीफ पुछा उन्हें क्या हजूर के खिलाफ गल हो तो फिर उम्मत की करे। और कोई मौलवी होता तो उन्हें क्या कर, जो उन्होंने कोई कर्जा लेना हो तो फिर ऐन कर लेना जी, जो उन्होंने गंद खाना हो तो फिर ऐ कर लेना, उन्होंने ऐ बकवास करन तो फिर चुप कर जाना क्योंकि अमन और सलामती और जान की हिफाजत बड़ी जरूरी है। आला हजरत फरमाते हैं सारे फर्ज अपनी जाइयन, हजूर की जड़ी गुलामी सब तो वड्डा फर्ज है। ये अज तक मेरी चिट्टी दाढ़ी हो गई, शायद मरदे दम तक भी मैं इसकी वजाहत न करा कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है जी, इसकी वजाहत मैं मरदे दम तक भी शायद न करा, हो सकता कबर विच जाके जो हो तो फिर जरा रुक जाओ हमने आ जाओ। ये तो इतने आला हजरत बरेलवी उत्थे जाके एवं नहीं क्या परवाज में मिदहत शाह जब मैं आऊं तारश पर फिक्र रसा से जाऊं मजमून की बंदश तो मुयसर है रजा और काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं, आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया लश्के लबे लाली से यमन डूब गया। एवं नहीं आला हजरत मैं यदि वजाहत की कदे नहीं जी।
यही गल सी। सिद्दीक अकबर आखिरी अय्याम में हुजूर ज़ाहिर दुनिया तशरीफ ले जा रहे, आखिरी अय्याम में सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे, हुजूर दर अकदस इधर आज भी जाके जो ज़ियारत कर दें उन्होंने पता है कि हुजूर दर अकदस इधर और मस्जिद नबी शरीफ उथे एंजे जनूब बनता है, ऐ जनूब की तरफ उधर किबला शरीफ है। तो हुजूर ने जो अपना पर्दा हटाया खिड़की का तो सारे सहाबा हुजूर ने वेखन लग पे, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। हाँ साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। पढ़ाने वाले कौन? सिद्दीक अकबर। तो पीछे कौन खड़े? हजरत उमर। आखिरी अय्याम है ना, तो अब तो 1,24,000 हाँ जी सारे वहां नहीं थे लेकिन हजारों तो थे ना। क्यों जी? पीछे उस्मान गनी, फिर हैदर करार, फिर साद इब्न अबी वकास, फिर अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद बिन जैद। क्यों जी? ये सारे शेर हजरत बिलाल तो फिर तकबीर पढ़ने वाले। क्यों जी? ये सारे पीछे खड़े थे जब हुजूर ने पर्दा हटाया तो सारे वेखन लग पे। यदि तो मैं अगली वजाहत नहीं करता, तुम हुजूर की उम्मत को बर्बाद करना चाहते हो? हुजूर के मुबारक जुल्फ का जो एक बाल है ना, एक बाल, सारी आपकी जुल्फ मुबारक नहीं, एक बाल जो है ना, दुनिया व माफिया हुजूर की जुल्फ के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ आपकी जुल्फ का एक बाल। हाँ हुजूर की शान तो वराउल वरा है ना। हाँ जी हुजूर की जुल्फ का सुन लो इधर भी और पूरी दुनिया भी सुन ले। तुम हुजूर के बारे में मुदानत करना चाहते हो? आलिम मदीना ने क्या बात की? हारून रशीद से बात की। ये होते हैं मौलवी और ये होते हैं हुक्मरान। जिमें हजरत उमर ने फरमाया सी ना उमैर बिन वाहब नू, जद हुजूर वाल तलवार लेके आया तो जो आया तो हजरत उमर फरमाया इस कुत्ते नू नपो। आज लोग हमें कहते हैं नहीं जी आपने ये क्या बात कर दी। क्यों जी? मसलू का मसल कल्ब, जो जनाब मूसा के बारे में कौन था? बलम बिन बाउर मुस्तजाबुद दावाद सूफी, जब जनाब मूसा के बारे में बात कर गया तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में किस सूरत आराफ है? क्यों जी? फरमाया मसलू का मसल कल बिन तहमिलो यल हस औ ततरको यल हज। मेरे हबीब उस बलम बिन माउर की बात जिसको हमने इतना मकाम वाला शेना अला रफाना हो, हमने तो चाहा था इसको और ऊपर ले जाए, वलाकिन नौ अखलद इलल अर्द, लेकिन वो जालिम तो जमीन पकड़ गया नबी की मुखालफत करके। तुम क्या कहते हो कि हुजूर की इज्जत पर पैरा न देकर पाकिस्तान ऊपर जाएगा? तुम भी सुन लो, पूरी दुनिया सुन ले, ऊपर एक ही सूरत में बंदा जा सकता है कि मोहम्मद से वफा तूने। हाँ एक ही ऊपर जाने की सूरत है कि मोहम्मद से, बस एक ही सूरत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? आपने जी कुत्ता कह दिया, मैंने कहा मुस्तजाबुद दावाद था। हाँ जी उसकी तो मैं यहां गल बात नहीं ना करना चाहता, ये तो कुरान है। क्यों जी? मौलाना वतलो अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैना आयातना फंसलख मिन्हा फातबा उश्शैतान फकान मिनल गावीन। सब कुंज वेखी किसी ने? सब कुंज वेखी, सब अपना लिबास ला के तो निकल जाता, तो अल्लाह ने फरमाया फंसलख मिन्हा। हाँ वो दीन का लिबास उतार कर निकल गया था। अल्लाह जब दीन का लिबास उतर जाए ना तो फिर मकामे मूसा भी नहीं समझ आता। फंसलख में फातबा उस शैतान, अल्लाह ने फरमाया उसके पीछे तो शैतान लग गया। और ये मेरी बात याद रखना, जो भी हुजूर के बारे में कभी भी कोई बैठकर बात करे, कभी भी कोई सोचे, ये तो मैं इबारत अभी मैं पढ़ू ना तो शायद पूरी मस्जिद जो है वो जबई हो जाए। जो इमाम अलामा हाशिम ठठवी ने लिखी है इबारत हुजूर की इज्जत आबरू के बारे में। हाँ जी अभी तो हमने कभी बात भी नहीं की तो तुम इतनी तकलीफ हो गई। अब जब हुजूर के तुम्हें तो सिर्फ तकरीर हजम नहीं होती तो हुजूर का दीन तख्त पर कैसे हजम होगा जी? और तुम्हारी ये मुदानत और तुम जिदा जिन्हें लाया गली उदे नाल तुसी टुर चली। हाँ जी तुसा जो कुछ हरकतें कीतियां ने इहदा जवाब हुजूर के सामने एक दिन देना पैना। हाँ हाँ एक कबर भी देना ते अशर वाले दिन भी देना। हाँ जी ये हुजूर के सामने आखिरी रब ने रखे ही सवाल अपने हबीब का। तुसी की समझते हो कि असा हुजूर दे दीन दे बारे गल नहीं करनी? जिवें तुसी चाहते हो गल उंज होएगी जिवें इमाम मालिक चाहते हैं। इमाम मालिक उंज गल कीती जिवें अल्लाह रसूल चाहते। पूछा हारून रशीद क्यों जी?
एक है जी, वो फलाना जी, वो एक आदमी टीवी पर ये कह रहा था, वो क्लिप उसका ये आया, वो फला इलाके का रहने वाला। मैंने कहा जलया कदी तू सोच ही नहीं है गल कि सिद्दीक अकबर तो लैके आला हजरत बरेलवी तक ये दीन किसी नू नहीं समझ आया। चांदगढ़ के लोग जनाब तुम उन्होंने क्लिप सुन के सानू आके कहते हो जी फला ये कह रहा था। मैंने कहा कोई भी नहीं कह रहा था, तेरे अपने जहन की गिलाजत है, तेरा जहन इतना गंदा है कि तू हर एक की बात सुन लेता है। वहां तो तलवार सर पर हो। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा तू देना गवाही कि मैं अल्लाह तआला फरमा की भौंकी जा रहा, जिसम टुकड़े हो रहा है, फिर आप फरमा की भौंकी जा रहा, रसूल तो रसूलुल्लाह है, सामने आग जल रही हो अबू मुस्लिम खौलानी के, और वो क्यों जी, वो कहे अब मैं कौन, तू कौन है, रसूल तो रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने आपके कान इसलिए बनाए हैं कि आप हर एक की बात सुन लेते हैं, उसकी बात सुने जिसकी बात सुनने के बाद आपके इश्क के रसूल में जोश आ जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं इश्क आ जाए अपनी आली, इश्क आ जाए अपनी आली, हुण तुहानूं पता नहीं ये गल समझ आती है तो अटकता, बड़ा फसीह लफ्ज है, इश्क आ जाए अपनी आली जी, तो फरमाते हैं फिर समुंदर भी इंज खौला देंदा जिवें देग खौलदी। हाँ, इश्क जोहियत बार राह मानिंदे देग, और इश्क सायद को राह मानिंदे रेग। मौलाना रूम फरमाते हैं इश्क आ जाए अपनी आली, इश्क आ जाए बेकाबू, क्यों जी, तो फरमाते हैं फिर पहाड़ इंज पीस देंदा जिवें रेत पीसी जाती है। गल बस इतनी बात, अपने आप नूं बदलो। की पूछा जी उन्हें, की पूछा इमाम मालिक को, उनका हजूर के खिलाफ कोई गल करे, पूछा हारून रशीद है, आपने फरमाया गल करे फिर हजूर की उम्मत बदला न ले सके, तो मां बका उम्मत बाद शत में नबी, या फिर पूरी उम्मत मर जाए उसको जिंदा रहने का भी हक कोई नहीं। किसका फतवा है, जिंदा आज तकबील खाके तैबाम, खुशतर आज रोजे रा कामत शबम, तुम हमी खा ही मरा का शवि, और बंदा आजाद रा मौला शवि। उन्हें क्या आओ जी हजूर मैं हदीस पढ़ना चाहता, फरमाया ओ किसी और मौलवी से जाके केड़े पै, ये मालिक ना तू गल कर रहा, हाँ क्यों जी, ए मां मालिक नाल तू गल कर रहा, फरमाया जिंदा तकबील खाके तैबाम, फरमाया मालिक तो जिंदा ही तामे रोजाना उठ के मदीना पाक दी मट्टी चुमदा, फरमाया उतो दे दिन मेरे हसीयत कोई नहीं रखते, तो दिया रात मेरे इराक दे दिना नाल, तू हमी खाई मराक का शवि, पर मैं तू चाहता मैं तेरे मां तहत होके दीन का काम करा, पर मैं मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे ना सिर्फ, फिर रसूलुल्लाह का इरादा गैरा का गुलाम नहीं बनता होंदा। बारे तालीमे तो आज हम बरदरत खादिमे मिल्लत न गर्दत चाकरत, मैं तेरे दरवाजे ते आवा तेन दीन पढ़ाण, और जड़ा एक बार हजूर का गुलाम बन जाए फिर किसी गैर का खादिम नहीं बनता होंगे। बेनियाजी नाज हा दारत बसे, और नाजू अंदाज हा दारत बसे, अगे इकबाल कहता वेखो रसूलुल्लाह दे गुलाम दी बेनियाजी क्यों जी सी कि बादशाह सामने खड़िया उन्हें चुटकी नाल बजा दिता। बेनियाजी नाज हा दारत, मैं उन्हें ओ जी ए जनाब रसूलुल्लाह दी अजमत और शान है।